गुड मॉर्निंग जूनियर के जी, आज मैं आपको दो वर्ण के शब्द कॉपी में लिखना है। तो आपको कल मैंने आपको जोड़ कर सिखाया था, आज मैं उनको डायरेक्ट शब्द लिखाऊंगी दो वर्ण के। तो आपको सिर्फ नोटबुक में भी करना है और आपको उसकी रीडिंग करनी है। दो वर्ण के शब्द, बच्चों मैं बहुत अच्छे से आपको क्लियर समझा रही हूँ कि किस तरह आपको करना है। ओके बच्चों, तो देखिए कैसे हम लोग करते हैं। कैसे पढ़ते हैं वर्ण को? घ। पहले बच्चों आप बुक का पेज नंबर 16, ओके बच्चों मैं शो कर रही हूँ आपको, बुक खोलिएगा, रीडिंग बुक आपकी बुक है शब्द ज्ञान। ओके, शब्द ज्ञान का पेज नंबर 16, ओपन द पेज 16, और मैं उसकी रीडिंग करवा रही हूँ आपको। मैं फ्रेश कार्ड से आपको सिखाऊंगी। ओके बच्चों, तो पहला वर्ण है घ, र। लेकिन हम इसको एक साथ कैसे बोलेंगे बच्चों? घ र किस तरह बोलेंगे? घ र इसी तरह हम इसे लिखेंगे, घ र एक साथ लिखेंगे, घ र। अब नेक्स्ट आएंगे, आप पिक्चर्स देखेंगे अपनी बुक में क्या बना है, नग। तो पहला है न ग नग, तो आप कैसे पढ़ेंगे इसे? नग। वर्णों को अलग अलग नहीं पढ़ना है आपको, एक साथ पढ़ना है न ग। उसी तरह आपको ये कॉपी में लिखेंगे न ग। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट है आप पिक्चर में आपके छ तु, तो छ तु, तो क्या बन गया? छत। क्या बना बच्चों? छत। तो इसे कैसे लिखेंगे? छ तु। ओके, अब नेक्स्ट आप पिक्चर में देखेंगे तो बना हुआ है रस। कैसे दिखाई दे रहा है? रस, रस। आपको दोनों वर्ण एक साथ पढ़ने हैं, रस। उसी तरह आप कॉपी में लिखेंगे रस, रस। ओके, नेक्स्ट है आपका चक, चक। दोनों एक साथ कैसे पढ़ेंगे? चक। किस तरह पढ़ेंगे बच्चों? चक, चक, चक। नेक्स्ट बच्चों आपका वर्ण है बुक में, आप पेज नंबर 16 में लास्ट है आपका ट ब, ट ब। ओके बच्चों, कैसे पढ़ेंगे इसे? टब, टब। बच्चों आज आपको इसको कॉपी में भी लिखना है जूनियर केजी सीडब्ल्यू में, और डेट डालिएगा दो वर्ण के, दो वर्ण के शब्द। पहले हमने आपको अलग अलग कॉपी में लिखना सिखाया था मैंने, और आज मैं आपको एक साथ लिखना दिखा रही हूँ। जैसे कि मैंने ये अलग अलग थे वर्ण, उनको जोड़कर शब्द बनाया था, आज हम सीधा शब्द लिखेंगे। पेज नंबर 16 है बच्चों, पेज नंबर 16, उसे आज हम कॉपी पे उतारेंगे। ओके, तो जैसे कि पहला था, नंबर डालेंगे यहाँ, टॉपिक यहाँ रेड लाइन पे लिखेंगे। आपका पहला वर्ण था घ र, सेकेंड न ग, बिल्कुल ऐसे ही आपको लिखना है। थर्ड छ तु, ये लाइन देख रहे हैं बच्चों यहाँ से यहाँ तक इसी लाइन में होना चाहिए, इस लाइन के नीचे नहीं जाना चाहिए। फोर र स,
बहुत छोटा भी नहीं लिखेंगे बच्चों और बहुत बड़ा भी नहीं। च ख, मैंने जैसे आपको बोर्ड पे बताया था, अब मैं कॉपी पे लिखना सिखा रही हूँ आपको। कॉपी पे जैसे मैं लिख रही हूँ वैसे ही आपको भी लिखना है। ओके बच्चों, तब इसे कैसे पढ़ेंगे? घ र न ग छ त र स च ख त ब। ओके बच्चों, कॉपी में डेट डालकर जिस दिन भी आप काम करेंगे ऐसे ही आपको कॉपी पे लिखना है। सी डब्ल्यू कॉपी में जब भी मेरे पास कॉपी आएगी मैं चेक करूँगी, तो पर डे आपको क्लास व कॉपी में काम करना है। ओके बच्चों, तो बुक्स ले ली होंगी आपने, मेरी इसी को बुक्स में आप टाइम टू टाइम जैसे मैं आपको करवा रही हूँ वैसे ही आपको भी करना है। ओके, टिल देन ओके बाय, सेफ एंड सुरक्षित रहो, घर पे रहो बच्चों, घर की मम्मा की हाथ की चीज़ें खाओ, बाजार का बिल्कुल नहीं खाना है, कोरोना है, सेफ रहना है। ओके बाय।